Hey guys, welcome back to our channel and welcome back with another vlog. So I hope आप लोग अच्छे होंगे. मैं पे बहुत बढ़िया हूँ. आज मैं एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो. सो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स. मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, बट अगर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि मजहब और धर्म आपस में बैर बन जाता है और रिश्ते को रखना. बिग बॉस 13, जो कि बिग बॉस का सबसे हाईलाइट एंड सबसे सक्सेसफुल सीजन रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, आसिम रियाज, हिमांशु खुराना, पारस छाबड़ा, ये बहुत सारे लोग आए थे जो यहाँ पर कपल जैसे रहे एंड कपल बन के चले गए. सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी टूटी बिकॉज रीजन ये था सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे, बट सिद्धार्थ को हम लोगों ने काफ़ी मिस किया और आज भी उनकी कमी हमें महसूस होती है, खलती है उनकी कमी. और बहुत ही अच्छे, बहुत ही होनहार एक्टर थे वो. और स्टार्टिंग में आसिम रियाज एंड सिद्धार्थ की जोड़ी एक बेस्ट ब्रदर एंड बेस्ट फ्रेंड जैसी थी. आसिम एंड सिद्धार्थ के बीच में आफ्टर सम टाइम बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, लड़ाई होने लगी, बहुत ज़्यादा फाइट होने लगी उन दोनों के बीच में. फिर वो लोग कुछ टाइम बाद अलग हो गए, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टसन स्टार्ट हो गया. एंड देन फिर हिमांशी की एंट्री होती है बिग बॉस में. हिमांशी एंड आसिम की लव स्टोरी यहाँ से शुरू होती है. आसिम को हिमांशी से लव हो जाता है. आसिम हिमांशी को प्रपोज करता है, बट हिमांशी उस टाइम किसी के साथ पहले से रिलेशन में थी. सी वॉज इंगेज्ड विथ समवन एंड दैट्स वाई उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. बट सम टाइम बाद हिमांशी एंड आसिम फिर रिलेशन में आए. बिग बॉस के बाहर आते ही हिमांशी ने एक्सेप्ट कर लिया. हिमांशी ने अपने मंगेतर से ब्रेकअप कर लिया एंड उनकी इंगेजमेंट टूट गई. बिग बॉस 13 बहुत ही सफल ईयर रहा है बिग बॉस का. हिमांशी एंड आसिम ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया एंड फिर बीते 4 सालों से वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे. बट अभी न्यूज़ ये सुनने में आ रही है कि आसिम एंड हिमांशी का ब्रेकअप हो गया, ये अब साथ में नहीं है. और इनका अलग होने का रीज़न ये लोग बता रहे हैं कि फ्रेंड रिलीजियस है और इस वजह से ये लोग अलग हो गए. कई कई सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें हिमांशी खुराना बुरखा पहनते हुए नजर आई हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट आसिम के साथ प्लेसेस पे जाते हुए डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में नजर आई है. बट आज न्यूज़ ये है कि वो अलग हो गया. हिमांशी खुराना ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला है कि धर्म की वजह से इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया और फाइनली ये अलग हो गए. रीज़न कुछ और नहीं, सिर्फ धर्म है, रिलीजियस है, डिफरेंट रिलीजियस इनके बीच में आ रहा है. इस न्यूज़ के आते ही, इस खबर के आते ही लोगों के बीच में रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहा है. लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है पब्लिक का. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसिम रियाज को गलत ठहरा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस की वजह से. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुस्लिम ऐसे होते हैं जो लव जिहाद स्टार्ट करते हैं एंड वो चीज़ें होती हैं, धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं. बहुत सारे लोग आसिम रियाज को गलत बोल रहे हैं कि उसने हिमांशी पर दबाव डाला होगा कि धर्म परिवर्तन कर लो. हिमांशी ने ऐसा नहीं किया होगा तो उसने, आसिम ने ब्रेकअप कर लिया एंड सेपरेशन का डिसीजन लिया, ब्ला ब्ला ब्ला. और बहुत सारे लोगों ने हिमांशी को सपोर्ट किया कि अच्छा हुआ जो आप घर वापस आ गई. और बहुत सारे लोगों ने आसिम को सपोर्ट किया कि क्या आपको पहले से नहीं पता था कि वो डिफरेंट रिलीजियस की है. यस, ये भी पॉइंट है कि 4 साल बाद इनको रियलाइज़ क्यों होता है कि ये डिफरेंट रिलीजियस के हैं एंड इनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है. सो ये पहले रियलाइज़ करनी चाहिए. बहुत सारे लोग ऐसा, बहुत सारी पब्लिक ऐसा कमेंट भी कर रही है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले सोचनी चाहिए. आज 4 साल बाद आप लोगों को याद आ रहा है. एक दूसरे पर आरोप लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, कंटिन्यू आरोप का लगातार चल रहा है. इसी में कुछ तस्वीरें हिमांशी के एक्स फियांसे की निकल कर आई हैं. जी, उनका नाम चाओ बताया जा रहा है, जो कि बहुत सारी तस्वीरें उनकी आई हैं सामने, जो कि हिमांशी के फियांसे थे. एक्चुअली सी वॉज इंगेज्ड एंड 4 साल पहले हिमांशी ने अपने चाओ को छोड़ा था. 4 साल पहले जब हिमांशी खुराना बिग बॉस में आई थी तो अपने आप को ऐश्वर्या, पंजाब की ऐश्वर्या राय बता रही थी. यस, अपनी क्यूट शहनाज गिल पहले बोलती थी कि मैं पंजाब की कैटरीना कैफ हूँ. एंड सलमान बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी करते थे, लाइक करते थे बिकॉज ऑफ हर चाइल्डनेस बिहेवियर. और फिर हिमांशी ने चाव से अलग होने का डिसीजन लिया. एंड फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि बॉस शो के पहले आपका रिलेशन चाव से रहता है एंड देन फिर आप बिग बॉस में आते हो और बहुत जल्दी किसी अनजान
इंसान शख्स को एक्सेप्ट कर लेते हो एंड देन उसके साथ रिलेशन में आ जाते हो, सबको छोड़ करके या फिर उसके साथ इश्क फरमाने लगते हो। हिमांशी का क्लियरली इंस्टाग्राम पे उसने एक अपडेट किया है कि यस हम फाइनली अलग हो चुके हैं एंड हमने ये डिसीजन जो लिया है सोच समझ करके लिया है, मैच्योर हमारी अंडरस्टैंडिंग है एंड उसके साथ हमने देखा कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इस वजह से हम अलग हो रहे हैं। और आसिम और हिमांशी की एक इंस्टाग्राम चैट है जो कि हिमांशी ने शेयर किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कि यस हम अलग हो गए। एंड आसिम एंड हिमांशी ने दो पोस्ट किए हैं। जो पहला पोस्ट है वो क्लियरली मेंशन है कि यस उसमें क्लियरली मेंशन है कि यस वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया वो बहुत ही शानदार एंड खूबसूरत था बट अभी हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हमारी जर्नी जो थी रिलेशनशिप की वो बहुत खूबसूरत रही। एंड सेकेंड अपडेट में ये है कि विद रिस्पेक्ट टू आवर रिलीजियस एंड यस आई मीन बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से लोग बोलते हैं कि धर्म मैटर नहीं करता। हिमांशी और अनासिम रियाज के साथ उनके मंदिर या फिर जहाँ भी वो लोग जाते हैं वहाँ मस्जिद जाने लगी थी तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया था, गुस्सा आया था कि ये सब ये क्या कर रही है और इनका चलता रहता है। बट अभी जब वो अलग हो गए हैं तब भी पब्लिक का बहुत ज़्यादा रिएक्शन दोनों साइड से, हिंदू मुस्लिम रिलेशन है तो इस वजह से एजेंडा अपना अपना लोग निकाल रहे हैं। एंड इसमें एक और अपडेट आया है कि आसिम रियाज ने अपना चैट उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है जिसमें लिखा है कि ये मेरा फाइनल एंड आखिरी स्टेटमेंट, किसी भी धर्म को रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा एंड कुछ ऐसा नहीं कर रहा ना, हम दोनों कर रहे हैं, ये हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया है कि हमारे रिलीजियस बिलीफ अलग अलग है सो इस वजह से हम सेपरेट होने का सेपरेशन का डिसीजन ले रहे हैं। मानसी ने आसिम के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है पब्लिकली, वो स्क्रीनशॉट में लिखा है कि यू सेड आई डिड, तुमने कहा हमने कर दिया। उसमें लिखा है कि हिमांशी खुराना बोलती है कि यू सेड आई डिड, देन आसिम का रिप्लाई आता है कि सही है बट तुमको क्लियरली सबको बताना चाहिए था कि हमारे सेपरेशन का रीजन जो है वो हमारा रिलीजन है। आसिम बोलता है कि यू शुड एक्चुअली रीजन अबाउट दैट एंड क्लियरली जो भी है वो आपको बताना चाहिए था। उसमें बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा है कि हिमांशी की तो आदत है अलग होना, पहले भी किसी के साथ रिलेशन में थी वो अलग हो गई, अभी भी इसके साथ रिलेशन में थी एंड देन इससे अलग हो गए तो इनका तो चलता रहता है। लोगों का ये भी पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है कि बिग बॉस का रिलेशन ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, ये लोग बिग बॉस में जाते हैं जस्ट फॉर लॉन्ग टाइम तक स्टे करने के लिए, वो लोग फेक लव एंड फेक चीजों का स्टार्ट करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोगों का रियल भी होता है एंड देन अभी इन दोनों का भी सेपरेशन हो गया एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आसिम ने दबाव डाला होगा कि तुम रिलीजन चेंज कर लो तभी हमारी शादी हो सकती है एंड हिमांशी ने ऐसा नहीं किया होगा तो फिर इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और तभी हम शादी कर सकते हैं। और आसिम के परिवार वालों ने भी आसिम पर दबाव डाला होगा कि उससे पहले धर्म परिवर्तन कराओ तभी शादी होगी, बट हिमांशी के फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं किया होगा कि नहीं हम ऐसा नहीं करने देंगे और ऐसा हम नहीं करेंगे और आप एक डिफरेंट रिलीजियस में शादी नहीं कर सकते। सो इस वजह से दोनों ने फिर हिमांशी ने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया होगा एंड आसिम ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा सो इस वजह से दोनों अलग हो गए। यस जो भी है बिग बॉस 13 की कहानियाँ आज भी या जो भी स्टोरी रही है वो आज भी शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला की आज भी याद आती है या फिर बिग बॉस में तो बहुत से ऐसे कपल हैं जिनका ये जस्ट फॉर शो के लिए चलता रहता है एंड देन वो फिर बाद में अलग हो जाते हैं। बट जो भी है बिग बॉस सीज़न एक बहुत ही यादगार सीज़न रहा है और बहुत सारी स्टोरी हैं, मेमोरीज हैं जो कि आज भी वायरल होती रहती है। सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बिग बॉस में ऐसा लव स्टार्ट होता है एंड फिर कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। हिमांशी को लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो पहले भी किसी के साथ रिलेशन में थी, देन उन्होंने अपना रिलेशन उससे ख़त्म कर लिया एंड देन बाद में फिर ये हो गया इस वजह से। बट ये सब मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था कि आप लोगों को मैं अपडेट दे दूँ कि बहुत सारे आसिम के फैंस होंगे एंड हिमांशी खुराना के जिनको मे बी ये न्यूज़ नहीं मिलेगी। सो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ सपोर्ट करो और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइबर बढ़ाओ, उठे हमारा सपोर्ट करो। सो चलो आप लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखो, मिलते हैं फिर एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।